ग्राउंड में टीम मौजूद है सफीदों के आदर्श कॉलोनी में वार्ड नंबर 14 में, यहाँ देख सकते हैं पुलिस एक युवक को समझा रही है कि कोई फार्म वगैरह भरे जा रहे थे, मजदूरों के खातों में जो पैसे आने उसी को लेकर यहाँ बताया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो फार्म भरे जा रहे हैं मजदूरों के खातों में जो पैसे सरकार ने डबाने, 1000 रुपया जो मजदूरों के खातों में डाला जाना है उसी को लेकर यहाँ बताया गया था कि यहाँ जो है लोगों की भीड़ जमा थी। अभी आए लेकिन अभी आने इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? विशाल। अभी पुलिस को सूचना मिली थी आपने यहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी करी, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठा करना बिल्कुल सख्त माना, धारा 144 भी है। सर वो मैं समझता हूँ जी, लेकिन मैंने किसी को नोटिफिकेशन नहीं दिया था जी। ठीक है, कस्टमर को जैसे पहले मेरे से पहले ये अनिल एमसी की दुकान है जी, उन लोगों की भीड़ देख के मेरे पास आए थे जी। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं दिया, ना मैं कोई घर पे काम करता हूँ जी। अभी सूचना ऐसी है, थाने के सामने जी, रंगा फोटो स्टेट के नाम से जी, मेरी वहीं से दुकान बंद है जी, सारा सिस्टम वही है जी मेरा। तो विशाल सूचना ये मिली थी कि आप फार्म भरने के नाम पर 50-50 रुपए पब्लिक से ले रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि जो गरीबों के खाते में पैसे आने उसके फार्म जो फिलअप करने हैं उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, उसके कोई 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जा रहा। और आपके बारे में बताया गया कि आप पर 50 रुपए पर हेड लेके फार्म भरे जा रहे हैं, 50 रुपए उनसे वसूल रहे हैं, आप क्या कहोगे? ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि हम तो पहले सरकार के साथ सपोर्ट कर रहे हैं जी, हमने पहले डीएम से पूरी बात करके, जब हमने सिर्फ मबर रहे हैं जी, सिर्फ अपनी फैमिली के जो हमारे लिंक पे, वो भी व्हाट्सएप मंगा रहे हो जी। मैं मजदूरों के जो आज फार्म में आपने भरे हैं यहाँ पहले, नहीं तो मैंने अभी तक किसी का फार्म नहीं फिल किया, सिर्फ फार्म लिए हैं जी, पर अभी तक किसी का नहीं जी, क्योंकि साइट बंद है, सुबह 8 बजे तक के बाद साइट चलेगी जी। कितने लोग उस टाइम, जिस टाइम आपने फार्म लिए उस टाइम कितने लोग जमा थे सर? यहाँ पे दो दो चार चार करके आ रहे हैं जी, सिर्फ 2 या 4 करके आ रहे हैं जी। अभी इकट्ठे एमसी के पास जाएंगे तो जी, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ वार्ड नंबर 14 के एमसी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर क्या मामला था आपके वार्ड में, जो 14 वार्ड के आप एमसी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्या आपके पास सूचना है, क्या आपने माहौल यहाँ देखा, मौका क्या था? हरीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका वार्ड नंबर 14 आदर्श कॉलोनी में पहुँचने का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरी तो यही गुजारिश है भाई, जब हरियाणा सरकार ने मोदी, अब हमारा प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़ जोड़ कर रो रो कर अपील कर रहे हैं, अपने घरों में रहे, घर से बाहर नहीं निकले। हाँ जी, क्या करना है आप? दूध लेने। अच्छा, दूध लेने। हाँ जी, घर से बाहर नहीं निकले, लोगों की बेवकूफ़ी है, लोग समझ नहीं रहे इस बीमारी को, लोग गलत काम उठा रहे हैं। मेरे पास अभी एक सूचना आई थी भाई, विशाल रंगा SHC सेंटर खोल रहा है, उसके घर पे फार्म दे जा रहे हैं, इन्होंने फार्म दिए मेरे पास, मोर लगवाने के लिए घर पहुँचे हैं। मैंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने इसके पास फोन भी किया, ये 50-50 रुपये फीस ले रहा है। देखिए तो अभी मना कर रहे हैं कि मैंने मना कर रहा है, रिकॉर्डिंग है मेरे साथ, तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा करता, धरातल पर कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए समाज में। ठीक है, समाज में रहना है, समाज के बीच में रहना है, जबकि हरियाणा सरकार ऊपर से निःशुल्क बोल रही है, निःशुल्क है। आपके पास कोई प्रूफ है उन्होंने पैसे लिए? प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है इनकी, यस बोल रखा है भाई, 50-50 रुपये ले रहा हूँ। मैंने बोला हरियाणा सरकार का है क्या फीस है, ये बोले हरियाणा सरकार की है। आपके नगर के जो नगर पार्षद है एमसी मौके मौजूद है, अभी क्या कहना चाहोगे? तो कह रहे कि आपने पैसे लिए सर। चलो, अगर मैंने क्या बताया था जी, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को थोड़ा पता? अभी आपने थोड़ी देर पहले मना किया कि आपने कोई फार्म नहीं भरा, लेकिन मैंने अभी तक कोई फार्म फिल नहीं किया जी। ठीक है, अगर मैं फार्म फिल करता तो मान ले हो जाता जी, जो देखते हैं क्या? नहीं, ये एमसी साहब मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, मेरे से पहले वहाँ पे भीड़ लग रही थी, इन्होंने उनसे उनके बारे में नहीं किया। सूचना के आधार पे, सूचना के आधार, नहीं आप सूचना के आधार पे कैसे चल रहे हो? सूचना के आधार जो देख सकते हैं, अब देखते इस मामले में क्या प्रशासन, ये युवक पैसे लेता हो लेकर फार्म भरते पाया जाता है, जो अगर तथ्य कोई सामने आता है तो उसके बाद देखते हैं प्रशासन जो है इस तरह क्या कार्रवाई करेगा। यहाँ वार्ड नंबर 14 है आदर्श कॉलोनी, यहाँ दिखाएंगे चारों, तो चारों और यहाँ पुलिस भी पहुंची है मौके पर। सर यहाँ आप आए, क्या मिला आपको? जैसा कि सूचना मिली थी कि फार्म भरे जा रहे हैं 50-50 रुपये लेके, जबकि निःशुल्क है बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, अभी तो कोई तथ्य सामने नहीं आए, अगर तथ्य सामने आ गए तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबकि सरकार के आदेश है भी, जो गरीबों को जो सुविधाएं दे रही है सरकार, वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से फार्म उनके भरे जा रहे हैं और सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। अगर इसमें ये दोषी लड़का पाया जाता है जो विशाल लंग है, तो पुलिस इसमें किस तरह कार्रवाई करेगी? कोई तथ्य सामने आ गए, जो कार्रवाई बढ़ती है वो कार्रवाई करेंगे जो भी इसके खिलाफ।
हाँ जी, और इस मामले में क्या बताना चाहेंगे आप? एमसी हैं इस मामले, तो मैं तो ये कहूँगा जो सरकार के खिलाफ, सरकार ने जब अपना प्रधानमंत्री रो रो के कह रहा है घर में रहो, लॉकडाउन है, घर में रहो, घर में रहना चाहिए, सभी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में दूरी बना के रहना चाहिए, अपने बाहर भी निकले तो एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर की, मैं तो यही अपील करूंगा प्रशासन से भी। चलिए देख लें पूरे मामले को लेकर पुलिस सफीदो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं, जबकि सरकार द्वारा साफ निर्देश है कि किसी भी तरह के फार्म गरीबों की मदद के लिए भरा जाएगा तो बिल्कुल निःशुल्क होगा, जबकि यहाँ सूचना ये मिली थी कि 50 रुपये लेकर विशाल लंगा नाम का जो युवक है वो लोगों से पैसे लेकर 50 रुपये प्रति व्यक्ति से पैसे लेकर वो भर रहा है फार्म, और नगर एमसी ने भी ये बताया हमें कि 50 रुपये लिए, जब इस के साथ सबूत के साथ ही इनका, अब देखते हैं जो तथ्य अगर सामने आते हैं तो सफीदो प्रशासन ये जो एक पैसे लेकर फार्म फिलअप कर रहा था किस तरह की क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात। अभी साहब हेलो हेलो विशाल, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया कितन भाई, बढ़िया। क्या कर रहे हो? ठीक, ऑनलाइन से काम चालू है के दो रुपए भाई? काम तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन भाई मैं किसी ने खाली फार्म नहीं देना, को धक्के तो ले जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। खाली फार्म तो मान गया, चलिए तो भर भर के भी मान गया, लेनी है। फीस कितनी ले रहे हो आप? हैं फीस कितनी ले रहे हो इन पे? 50 रुपये है भाई। 50 रुपये सरकारी फीस? 50 रुपये भाई? हाँ 50 रुपये है भाई, प्रिंट आउट कार्ड का दिल लग रहे हो गया। ठीक है, सरकार की तरफ का है भाई साहब, सरकार की तरफ से है। ठीक, ओके ब्रदर, ओके। हाँ जोरों पर ला गया रहो मेरे भाई, काट दे काट दे भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।